हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने सोचा अब आज कहीं, रात को सोचा था प्रोग्राम हुआ लेकिन आज का प्रोग्राम हुआ नहीं, तो गाड़ी आज कहीं आज जाएगी नहीं। अब कल के लोडिंग के लिए आज अगर 10 बजे तक कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कल के लोडिंग के लिए शाम को 7 बजे 8 बजे पता चलेगा। मतलब ऐसा होता है हमारे गाड़ियों के लोडिंग में, आप जब सुबह का लोडिंग रहेगा ना तो समझिए शाम को ही ज़्यादातर 95% डीओ कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ गाड़ी कल वहाँ से भरेगी, शाम को फाइनल हो जाता है। 5% सुबह फाइनल होता है, तो अब तो 5% ही आशा है सुबह 10 बजे के डीओ कोई प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद ही पता चलेगा। तब तक हमने सोचा था दोस्तों, हमारा गाड़ी का स्टॉक टूटा हुआ है, चार स्टॉक टूटा हुआ है, अब उसको सोचते हैं जाके डलवा लें। क्यों? अगर गाड़ी लोड हो गई तो समझिए कि वो प्रेशर में आ जाएगा। गाड़ी लोड हो जाएगी तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि उसका नट डलवाओ, नहीं तो वो टूट के चक्का कहीं भी फेंका सकता है, ये खतरनाक हो सकता है। चार टूट गया है, एक करके माने चार सीरियल बाई सीरियल। अभी क्या होगा, अब फटाफट 6 7 8 9 10 हो जाएगा और चक्का खुल के फेंका जाएगा। तो दोस्तों सोचते हैं हम, माने विचार कर रहे हैं कि नहीं चलो अब डलवा लो, आज नहीं तो कल गाड़ी लोड होना ही है, विश्वास है हमें और भगवान से भरोसा भी है। ये उतना नहीं होगा, जो होगा होगा, हमारे साथ भी न्याय होगा जो सबके साथ होगा। तो जाल चलते हैं दोस्तों, फटाफट नट को डलवाते हैं और देखते हैं आगे मिस्त्री का गैरेज है यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर होगा, हम लोग 2 दिन पहले उधर खड़े थे, तो वहाँ चलते हैं मिस्त्री के पास, उसको डलवाते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, रिक्स नहीं लेने का जिंदगी में, लाइफ में। ठीक है दोस्तों, हमने गाड़ी पेट्रोल पंप से निकाल के यहाँ रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर रखा है, साइड में पार्क किया है। अब चलते हैं, थोड़ा चाय दुकान है यहाँ पे, चाय पीते हैं। ये सामने चाय दुकान है तो वहाँ थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं मिस्त्री के पास, क्योंकि सोनू अभी उधर बाथरूम गया था और गाड़ी हमें निकालना था, फिर नहीं तो बाद में गाड़ी आगे पीछे लग जाती, इसलिए वहाँ से निकाल के मैं रोड पर खड़ा किया। आगे पीछे गाड़ियाँ थी और सोनू गया था बाथरूम, वो आ रहा है, तब तक हम चाय पीते हैं, चलते हैं चाय दुकान में। और कैसा है भैया? एक नंबर है। चाय दो, चाय पीने आया है, चाय दे रहा। ये भाव का चाय होटल है, हम रोज सुबह या शाम को कभी एक टाइम जरूर आते हैं इनके पास चाय पीने के लिए। हाँ तो दोस्तों फाइनली हमारा चाय पीना हो गया और यहाँ एक बार पूछ लेते हैं, आपको पता ही है हमारा स्टॉक टूटा हुआ है, कुछ लोग स्टार्ट और कुछ लोग थर्ड बोलते हैं, वो टूटा हुआ है, जो टायर का नट होता है उसे स्टॉक बोलते हैं, तो वो जा रहे हैं चेंज कराने के लिए। भाव ये मैकेनिक है क्या यहाँ पे आसपास में? हाँ, इधर साजापुर फाटे में। ये साजापुर फाटे पे किस साइड में होगा? ये साइड में, उस साइड में। अच्छा अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं पता कर लिया कन्फर्म, ऐसे आइडिया था लेकिन कन्फर्म कर लिया यहाँ से। अब जाता हूँ और उसको चेंज कराता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों हम आ गए हाईवे के ऊपर है और यहाँ पर एक गैराज है, वो चलिए उनसे बात करते हैं, मिस्त्री से मैकेनिक से, देखते हैं वो है कि नहीं, होगा तो यही गल जाएगा। भाव मैकेनिक है क्या इधर? इंजन मिस्त्री, वो स्टार्ट के नट टूटे वाले हो लगेंगे, स्टार्ट समझे, नट नट चक्के का नट वो लगने वाला है। मिले ऑटो पास कहाँ है? अच्छा अच्छा मिल जाएगा, तो अच्छा खुलने दीजिए, यहाँ टायर वाला भी है, खुल जाएगा नट, टाइट हो जाएगा। हाँ गाड़ी किधर लगाऊँ? ये है मैं मिस्त्री, ये मिल गए मैकेनिक, और चलते हैं खुलवाते हैं और उसको फिट करवाते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हम लोग इसमें जक लगा दिए हैं, टायर को उठा दिए हैं,
जक मार के चक्के को उठा दिए ऊपर, और ये है मिस्त्री, अभी ये टायर का नट खुलेगा और उसके बाद ये ऑटो पार्ट्स के अभी आए नहीं है बाबू, ऑटो पार्ट्स वाले आएंगे तो उनसे ही चार नट लिया जाएगा और ये मिस्त्री बस लगा देंगे। अब उनको आने दीजिए, फिर टायर को खोलते हैं, नहीं तो ऐसे जक में गाड़ी को खोल के खड़ा रखना रिक्सी है। तो दोस्तों यहाँ बोल्ट नहीं है, हम लोग जा रहे हैं अभी दूसरे दुकानों पे बोल्ट लाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? अशरफ भाई है, इनके बाइक पे मैं बैठ गया और चलते हैं ऑटो पार्ट्स की दुकान में, बोल्ट लेके आते हैं। ये गाड़ी वो बाईपास रोड से ही आ रही है क्या? मैंने यहाँ से बाईपास को समृद्धि में जाने को रास्ता है? अच्छा, यहाँ से भी हम समृद्धि में जा सकते हैं ये रोड से? अभी रोड कंस्ट्रक्शन पे ही है, रोड बन रहा है। हाँ, उस पार में है क्या? हाँ, चार चार। दोस्तों हम लोग अभी एक रुक गए हैं रास्ते में, अभी जा ही रहे थे, बस थोड़ा नज़दीक पास में ही है, तो अशरफ ने भाई ने बोला कि चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। और ये है भाव का दुकान। आपका क्या नाम होगा? शेख इरशाद। शेख इरशाद जी इनका दुकान है। ओ, तो अशरफ भाई बोले चाय पी लेते हैं फिर हम चाय पी के चलते हैं, यही पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली नट ले लिए हैं, व्हील नट, इसको स्टॉक बोलते हैं, चार, दो मेरे हाथ में है और दो अशरफ भाई के हाथ में है। अब नट लेकर जाते हैं गाड़ी के पास। ये रहा हाईवे, हाईवे के पास में यहाँ पे ढाबा भी है, श्री बालाजी राजस्थानी ढाबा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए और मिलते हैं आगे, चलते हैं गैरेज के पास। तो दोस्तों चलो। ये हमारा जो टायर खोला जा रहा है, और ये टायर खोलने के बाद उसके बाद स्टॉक लगेगा। अभी तो उसमें 6 ही नट बचे हैं 10 नटों के जगह पे। सुनो, और इसको खोल लेते हैं फटाफट। ये रहा बोल्ट, 4 बोल्ट है, ये लग जाएगी। 5 बचे, 5 और एक टूट गया। चलिए दोस्तों अब इसको डालते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए नट लग रहा है, और इस ये 3 लग गया है, चौथा लग रहा है और एक लगेगा, 5 टूटा था, 4 टूटा था, एक खोलते समय टूट गया, इसका ये भी प्रॉब्लम है। अभी हम जो मशीन से टाइट करवाते हैं ना तो ऐसा प्रॉब्लम आती है और नट टूटते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। हाँ तो दोस्तों अभी काम हो गया जो होना था, 4-5 स्टॉक लग गए, टायर भी फिट हो गया, और यहाँ का जो भी हिसाब पत्र पैसा वगैरह था, मिस्त्री चार्ज जो भी हमने दे दिया। अब यहाँ से चलते हैं जहाँ पर खड़े थे, वहाँ पे जाके फ़ोन वोन करेंगे लोडिंग के लिए, देखते हैं क्या कुछ खबर आता है, डीओ क्या मिलता है। दोस्तों तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और चलते हैं उस पेट्रोल पंप में, वो हमारे बंगाली दादा वहाँ पे खड़े हैं उनके पास।
तो दोस्तों हम लोग रास्ते में जा रहे थे अभी पेट्रोल पंप के पास, तो सब्जी की दुकान थी, सोचा सब्जी यहाँ से ले लें और चावल उधर वहीं से ले लिया था। और ये सब्जी लिया हमने, आलू पालक टमाटर बैंगन ये लिया, और ये है दुकान देखिए। और चलते हैं पेट्रोल पंप के पास, वहाँ बनाएंगे दोस्तों। और सब्जी वगैरह जो था लेना वो तो ले ही लिया, अब बनाना है। पहले 10 बजे फ़ोन करेंगे ट्रांसपोर्ट में, उसके बाद खाना बनाएंगे खाएंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग पेट्रोल पंप के पास आ गए हैं, वो देखिए पंप आपको उस साइड दिखेगा, और यहाँ हम रोड का किनारे ही रखे हैं। और देखते हैं अगर आज कहीं प्रोग्राम हो जाए तो बस यहाँ से निकल जाएंगे। तो खाना बना रहे हैं, खाना बना के खा के फ़ोन भी कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, अगर कहीं से प्रोग्राम मिलता है तो निकल जाएंगे दोस्तों। और इसीलिए हम रोड के किनारे गाड़ी को रखे हैं, मैंने थोड़ा रोड में साइड में दबा के रखा हूँ, ऐसा नहीं कि रोड पे रखा हूँ। और उसके बाद जो प्रोग्राम आएगा तो खाना वाना खाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।